साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक सटीक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। एक शनिवार से दूसरे शनिवार तक इस प्रयोग को आप करिए, जिंदगी में चमत्कार देखिए कि चमत्कार कैसे होते हैं। परेशानी कितनी भी बड़ी होगी लेकिन ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। कोई मेहनत नहीं करनी है इसमें आपको। दोस्तों हमारे पैर जो होते हैं, पूरे शरीर का वजन पैरों में होता है और हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा चलते फिरते हैं तो जो भी नेगेटिविटी होती है, परेशानियां होती है, हमारे पैरों के जरिए ही हमारे शरीर में आती है। तो इस प्रयोग को करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि आपका सारा ऑरा क्लियर हो जाएगा। परेशानी तब आती है, बीमारी तब आती है, कर्जा तब आता है, पैसों की समस्या तब आती है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत होती है। ब्रह्मांड में दो प्रकार की एनर्जी है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो परेशानियां हैं, पॉजिटिविटी ज्यादा है तो खुशहाली है। तो आपको अपनी ऑरा से नेगेटिविटी को हटाना है, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना है और इस प्रयोग में आपको कोई तंत्र मंत्र पूजा नहीं करनी है। बस छोटा सा एक प्रयोग करना है जो मैं आपको बताऊंगा शनिवार के दिन में। यह करने के बाद में दोस्तों एक शनिवार से दूसरे शनिवार में आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपकी कर्ज की समस्या है, आपकी कोई असाध्य रोग है, बीमारी है। काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि हमारे शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं, जहां हम रहते हैं काफी लोग परेशान कर रहे हैं। और काफी लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया है कि कर्ज की समस्या हो गई है, काफी लोगों ने कहा है कि पैसों की बरकत नहीं है, और काफी लोगों ने मुझे कहा कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। तो दोस्तों परेशानी कुछ भी है, ए टू जेड जो भी परेशानी है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये प्रयोग करना है आपको आपकी चप्पल से या जूता से। आप चप्पल पहनते तो चप्पल में कर सकते हैं, जूते में कर रहे हैं तो जूते में कर सकते हैं। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है आपको, शनिवार की रात्रि में करें इस प्रयोग को, क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं रात्रि में इनका उदय होता है। आपके जो भी जूते हैं, चप्पल है, जिसे आप पहनते हैं, जो यूज करते हैं उसी जूते या चप्पल में इस प्रयोग को आपको करना है। सबसे पहले क्या करें, एक स्वच्छ कपड़ा ले लें, कपड़ा साफ ही लें, और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो इन जूते चप्पल को अच्छे से साफ कर लें, कपड़े से, पानी से नहीं करना है। अगर जूते चमड़े के होंगे तो और भी अच्छा होगा, लेकिन नहीं है तो वो यूज किए हुए वाले भी आप उपयोग में ले सकते हैं। कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, डस्ट वगैरह हो, गंदगी हो, पूरा साफ कर दें उसको। अब एक ब्लैक कलर का मार्कर ले लें या ब्लैक कलर का पेन ले लें। अब आपकी समस्या क्या है, आपकी गरीबी है, कर्ज की समस्या है, पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि पैसे बहुत ज्यादा प्रवाह रुक गया है, आ ही नहीं रहा है, तो लिख दें गरीबी। पैसों की समस्या बहुत ज्यादा है तो उसके नीचे लिख दें गरीबी। कर्ज की समस्या हो गई है, कर्ज नहीं उतर रहा है, उसके नीचे लिख दें कर्ज। नीचे वाले हिस्से में लिखना है, जहां पर पैर रखते हैं उसके नहीं, नीचे, ठीक है, जहां पर दबा होता है, नीचे साइड। बीमारी है, कोई असाध्य रोग है, लिख दें बीमारी। शत्रु है, दुश्मन है, लिख दें शत्रु। या जो भी परेशानी है आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी है। इसको दोस्तों सिर्फ नेगेटिव दोनों चप्पलों में लिखना है और इन चीजों को आपको परेशानियों से मुक्ति के लिए करना है। आपको मतलब कि जो भी परेशानी है सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं करना है, इसको उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप कोई मनोकामना लिखेंगे तो उल्टा और मनोकामना आपकी दूर चली जाएगी आपसे। तो कोई चीज को परेशानी से छुटकारा करना है उसके लिए, जैसे कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो लिख देंगे दुर्भाग्य, ठीक है। ये लिखने के बाद में ब्लैक मार्कर से आपको जहां भी आप रख सकते हैं, दक्षिण दिशा में या कहीं भी, कोई भी दिशा में उसको रख दें सुरक्षित। एक हफ्ते तक शनिवार को लिखेंगे, अगले शनिवार तक वैसे रखे रहने दें। अब जब नेक्स्ट शनिवार आएगा तो फिर से आपको यही क्रिया को दोहराना है। जिस जहां पर आपने जो चीज लिखी थी दोनों चप्पलों में, जूतों में,
उसी के ऊपर से आपको ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन से फिर से वही चीज उसी के ऊपर से आपको फिर से लिख देनी है। बस यहां पर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक शनिवार से दूसरा शनिवार जब आप लिखेंगे, जो भी परेशानी आप लिखेंगे, कर्ज है तो कर्ज से, कर्ज की समस्या से मुक्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। बीमारी है अब वो आप देखेंगे कि हाँ आप शरीर स्वस्थ हो रहा है, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं आप। पैसे नहीं आ रहे हैं तो गरीबी लिखेंगे, देखेंगे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नौकरी बिजनेस चलने लगा है, कोई ऐसी आपको जॉब मिल रही है जो आप चाहते हैं, जितनी सैलरी की या फिर जहां पर जॉब कर रहे हैं सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको लगे कि अभी भी कुछ समस्या रह गई है, मतलब कि एक बार प्रयोग किया लेकिन फिर भी कुछ रह गया है, तो आप क्या करें, कुछ शनिवार करके फिर से इस प्रयोग को दोहरा दें, जो चप्पल वगैरह यूज करते हैं उसमें फिर से इस रेमेडी को कर लें। कोई भी समस्या होगी दोस्तों आपकी जड़ से चली जाएगी, असंभव से असंभव परेशानी भी आपकी ना जड़ से निकल जाएगी, जिंदगी से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं, जब शनि ग्रह की आपको ये नहीं देखना है कि बर्थ चार्ट में शनि आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं, अगर आपके शनि बिगड़े होंगे, वक्र दृष्टि होगी, तो उनकी वक्र दृष्टि खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और यदि शनि वक्री नहीं भी है और ये प्रयोग करेंगे तो शनि महाराज आपकी इस परेशानी को दूर कर देंगे। शनि महाराज के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो न्याय के देवता हैं, कर्मों का अकॉर्डिंग फल देते हैं। तो शनिदेव महाराज से विनती भी करते रहें, और शनिदेव की वक्र दृष्टि यदि सता रही है तो हर शनिवार के दिन में सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का, काले तिल का तेल, तिल के तेल का दिया आप पीपल वृक्ष में गौधूली बेला में सूर्य अस्त होता है उस समय नित्य प्रति आप जलाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी होगी तो होने से पहले टल जाएगी, हर जगह शनिदेव आपको हेल्प करेंगे। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही सटीक और बहुत ही पावरफुल उपाय है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।